कोविड को लेकर व्यापक रूप से सभी समाचार पत्रों में भी सारी गवर्नमेंट की एडवाइजरी जारी की गई है। गवर्नमेंट ने कहा है कि एक हफ्ते तक पब्लिक को अवेयर करने की कोशिश की जाए, सारे पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से और जन जागरूकता के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से और जितने भी हमारी जो जिम्मेदार संस्थाएँ हैं उनके माध्यम से, तो वो कार्य चालू है। 3-4 दिन का समय और बचा हुआ है। सरकार का ये भी कहना है कि फिर अगर लोग ना माने तो इन्फोर्समेंट की कार्रवाई, जुर्माने की कार्रवाई और उसको स्ट्रिक्टली जो भी सरकार के निर्देश हैं उसको इन्फोर्स कराने की कार्रवाई प्रारंभ की जाए, तो वो कार्रवाई कराने के निर्देश दिए गए हैं कि बुधवार बृहस्पतिवार तक अवेयरनेस का कार्य किया जाए। उसके बाद अगर कोई मास्क नहीं लगाता है, भीड़ भाड़ करता है या जो सरकार के निर्देश हैं दुकानों को खोलने के टाइमिंग आदि को लेकर उसका कोई वायलेशन करता है, तो फिर उसकी कार्रवाई हम लोग बुधवार बृहस्पतिवार के बाद से प्रारंभ कराएंगे। मीनवाइल हम लोगों ने जितने भी लोग बाहर से आ रहे हैं, बाहर के प्रदेशों से आ रहे हैं, उनकी टेस्टिंग एयरपोर्ट पे और रेलवे स्टेशन पे चालू करा दी है। जो भी लोग घरों में आ रहे हैं उनको क्वारंटाइन करके और उनका सैंपल लेके, बाकायदा जब तक सैंपल ना आ जाए तब तक बाहर ना निकलने की एडवाइजरी जारी की जा रही है। जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनके खुद के टेस्ट, उनके घर वालों के टेस्ट कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के माध्यम से किए जा रहे हैं। जो टेस्टिंग है वो दोबारा 4,000 से ज़्यादा संख्या में बढ़ा दी गई है, जो कि कोरोना के पीक काल पर चला करती थी। और अब कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और इन सब के माध्यम से हमारी घर घर जो हमारे सैंपलिंग की टीम और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की टीम है, उनके व्हीकल लैब टेक्नीशियन वो भी बढ़ाए जा रहे हैं। एक दो दिन में वो भी बहुत अच्छे से चलना चालू कर देंगे। इसी के साथ हमारे जो वैक्सीनेशन का कार्य है उसको तेज़ किया गया है। पहले खाली सप्ताह में 2 दिन किया जाता था, अब सप्ताह में 6 दिन किया जा रहा है। और अलग अलग टारगेट ग्रुप के माध्यम से भी जो 45 साल के ऊपर के लोग हैं, वो कोमोरबिड लोग और 60 साल के ऊपर के लोग हैं, वो सारे स्वैच्छिक लोगों को वैक्सीनेशन का काम कराते हुए हम लोग बड़ी तेज़ गति से कोशिश कर रहे हैं कि अधिकतर वल्नरेबल सेक्शन है वो हमारा वैक्सीनेशन से कवर हो जाए, ताकि अगर कोरोना की पीक और आती भी है तो ऐसे लोगों पर जान का संकट ना आए। तो कुल मिला के सारी चीज़ें चालू हैं। जो बाहर के प्रदेशों से लोग होली पर लौटेंगे या अभी जो लौट रहे हैं उनकी तरफ विशेष ध्यान है। एयरपोर्ट पर तो 100% टेस्टिंग सुनिश्चित हो रही है। रेलवे स्टेशन पर कुछ लोग भीड़ की वजह से पूरी टेस्टिंग नहीं हो पा रही, तो उनके नाम पते कॉन्टैक्ट नोट किए जा रहे हैं ताकि घरों में भेज के लोगों को उनकी टेस्टिंग कराई जा सके। तो कुल मिला के सारी सतर्कता है और सारी चीज़ें लागू की गई हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट की मीटिंग भी प्रतिदिन चालू कर दी गई है और उनके माध्यम से भी इन्फोर्समेंट का काम चालू है।